भारत पाकिस्तान के संबंधों को दुनिया के किसी भी दो स्वतंत्र देशों के बीच सबसे जटिल संबंधों में से एक माना जा सकता है। दोनों देशों में आपसी संबंधों को प्रभावित करने वाली कई ऐसी चीजें हैं जो विदेश नीति में निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। और इसी बीच करीब 9 साल बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर कल पाकिस्तान की जमीन पर रहेंगे। इससे पहले एस जयशंकर बतौर विदेश सचिव पाकिस्तान गए थे और पिछले 9 साल में काफी कुछ बदल भी गया है। दोनों देशों के संबंधों में ठहराव आ चुका है। पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा, लिहाजा भारत भी एक बार नहीं कई बार दो टूक कह चुका है, दहशतगर्दी बंद करो पाकिस्तान, तब होगी बात। और अब जब विदेश मंत्री SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन में बैठक के लिए कल पाकिस्तान पहुंच रहे हैं तो पाकिस्तान के नेता भारत से रिश्ते शुरू करने के लिए बेकरार हैं। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से पहले ही कहा गया कि भारत पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा। एस जयशंकर पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने नहीं जा रहे, इस बात को उन्होंने खुद कहा। खबर को और बताएं, समझाएं, लेकिन आपको SCO मीटिंग के बारे में बताते हैं कि आखिर यह क्या है। दरअसल 15-16 अक्टूबर को पाकिस्तान में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर आएंगे। इस्लामाबाद में SCO के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक में शामिल होंगे। पिछले 9 साल में किसी भी मंत्री का, भारत के मंत्री का यह पहला पाकिस्तान दौरा। पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ के डिनर में भी शामिल हो सकते हैं एस जयशंकर। ये डिनर बैठक में हिस्सा लेने आए प्रतिनिधियों के लिए होगी। भारत की तरफ से लीड करें डेलीगेशन को विदेश मंत्री। और पाकिस्तान पहली बार शंघाई सहयोग संगठन की बैठक की मेजबानी कर रहा है। SCO सम्मेलन में चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग और उसके PM मिखाइल मिश्तुसिन और साथ ही बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के भी समकक्ष शामिल होंगे। लेकिन पाकिस्तान की बेकरारी भारतीय विदेश मंत्री को लेकर है। भारत की तरफ से कोई भाव लेकिन दिया नहीं जा रहा, क्योंकि कुछ दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ साफ कहा कि वो पाकिस्तान से दोस्ती के लिए नहीं बल्कि SCO समिट में शिरकत करने जा रहे हैं। I'm going there to be a good member of the SCO, but you know, since I'm a courteous and civil person, I will behave myself. आबादी और भौगोलिक स्थिति के लिहाज से SCO दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया के दो सबसे ज्यादा आबादी वाले देश, एक भारत दूसरा चीन, इसके सदस्य हैं। इस वजह से भी SCO ऐसा संगठन है जो दुनिया की करीब 40% आबादी को कवर करता है। ऐसे में SCO को दुनिया में गंभीरता से लिया भी जाता है। SCO के देशों में दुनिया की 40% आबादी रहती है और ग्लोबल GDP में भी इसकी करीब 30% हिस्सेदारी है। चीन की आबादी अकेले 140 करोड़ से ज्यादा है, भारत की आबादी चीन से भी ज्यादा है। बाकी 6 सदस्य देशों की आबादी कुल करीब 44 करोड़ है। दुनिया की नजर एस जयशंकर पर है, भारत के विदेश मंत्री के पाकिस्तान दौरे पर है। और सम्मेलन के दौरान भारतीय विदेश मंत्री बोलते क्या हैं, किस तरह से उनका हाव-भाव रहता है, तमाम चीजें दुनिया देखेगी। PM मोदी ने जब 2014 में सत्ता संभाली थी तब नरेंद्र मोदी ने पूरी कोशिश की कि भारत पाकिस्तान के संबंध बेहतर हो, लेकिन पाकिस्तान नापाक करतूतों से बाज नहीं आया। एक तरफ दोस्ती की राग अलापता रहा, दूसरी तरफ आतंकियों को पालता पोसता रहा। ऐसे आप बताते हैं आखिर भारत पाकिस्तान में बातचीत बंद क्यों है, कब से? याद करिए PM मोदी ने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की थी जब 2014 में शपथ ग्रहण समारोह पहली बार हुआ तो नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के PM थे उनको बुलाया। 2015 में PM मोदी अचानक नवाज शरीफ के घर पहुंच गए थे दिसंबर 25 को, लेकिन पाकिस्तान नापाक हरकतों से बाज नहीं आया, सुधरा नहीं। PM मोदी का दौरा हुआ 25 दिसंबर 2015 को, एक हफ्ते के अंदर पठानकोट में अटैक होता है, 7 जवान शहीद हो जाते हैं। अगले साल 2016 में ही सितंबर में उरी अटैक हुआ, 19 जवान शहीद हुए और उरी अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर पहली सर्जिकल स्ट्राइक की। फिर 2019 में पुलवामा हमला हुआ, 40 जवानों की शहादत हुई, पूरा देश रो गया। हालांकि जवाब में भारत ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की। और 2019 में जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को निष्क्रिय किया गया तो पाकिस्तान और बौखला गया। भारत और पाकिस्तान के बीच कोई हाई लेवल बैठक तब से नहीं हुई है पिछले 5 सालों में, और ये एक अहम दौरा इसी वजह से माना जा रहा है।